स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। दोस्तों, हमारी बात हो रही थी सीटेट साइंस पेपर सेकेंड के बारे में, और उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे केमिस्ट्री के बारे में। दोस्त, जैसा कि हमने फर्स्ट अपने लेक्चर में केमिस्ट्री की डिफिनीशन और हमारा सिलेबस क्या था, और भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थों के कुछ पार्ट को हमने वहाँ पर देख लिया था, आइए उससे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करते हैं। हमने वहाँ पर देख लिया था ठोस द्रव के बारे में, और जैसा कि हमारी तीन अवस्थाएं अभी बाकी थी, गैस थी, प्लाज्मा थी और BEC थी। आइए उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है मैंने गैस पदार्थ की, ये हमारी तीसरी अवस्था होती है गैस। अगर गैस की बात करें तो पदार्थ की वो अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। इसमें गैस का क्या होता है, न तो आकार फिक्स होता है न तो आयतन फिक्स होता है, दोनों एक क्या होता है, अनिश्चित होता है। ऐसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, गैसीय अवस्था कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा एयर हो जाएगा, भाप हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, ये सब किस में आ जाएंगे, हमारे पदार्थ की गैसीय अवस्था में आ जाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं गैस, जो हमारी पदार्थ की गैसीय अवस्था है, यहाँ से किस टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर बात करें हम लोग क्वेश्चन की, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कुछ जो पॉइंट मैं लिखा हूँ यही से क्वेश्चन बनते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में इसी पॉइंट में से कोई ना कोई पॉइंट पूछ लेता है और आपको आंसर देना होता है। आप ध्यान से इस पॉइंट को नोट करिएगा। देखिए, यहाँ पे मैंने फर्स्ट में लिखा है कि गैसों के कणों के बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है। इसका मतलब समझिए, जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है बहुत ज़्यादा होता है, उसमें क्या होता है, फैलाव बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे मैंने सेकेंड पॉइंट लिखा है, देखिए कि गैसों के कणों के बीच आकर्षण बल दुर्बल होता है। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच जो हमारा आकर्षण बल होता है वो बहुत कम होता है, अर्थात दुर्बल होता है द्रव और ठोस के तुलना में। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, गैस के कणों के बीच गतिज ऊर्जा का मान अधिक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और यहाँ से ऐसे क्वेश्चन भी पूछा हुआ था इस पॉइंट से कि निम्न में से पदार्थ किस अवस्था में गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। वहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिया था, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। तो अगर इस टाइप्स के आपसे कभी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं तो आपका करेक्ट आंसर होगा कि गैस, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी द्रव और ठोस की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो इसके बीच जो काइनेटिक एनर्जी होती है गैस के कणों के बीच की, वो मैक्सिमम होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और है, इसको आसानी से दबाया जा सकता है। हम गैस को क्या करते हैं, इस आसानी से दबा लेते हैं। देखिए, अगर गैस को हम आसानी से दबा नहीं पाते तो इसको हम किसी कंटेनर में चाहे किसी बर्तन में भर नहीं पाते। जैसे आप डेली लाइफ में अपने LPG गैस यूज करते हैं, तो LPG गैस को क्या करते हो, आप कंप्रेस कर एक बर्तन में, एक क्या करते हो, कंटेनर में ही तो डालते हो, इसके बाद उसको यूज करते हो। इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं, राइट। और इसका घनत्व अति निम्न होता है। अब यहाँ पे अगर घनत्व की बात हो गई तो एक पॉइंट देखिएगा, जिसका घनत्व जितना अधिक होगा वह उतना ही कठोर होगा और भारी होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है इसका घनत्व अति निम्न होता है, इसलिए गैसें जो होती हैं हमारी हल्की होती हैं, राइट। जो गैस का घनत्व होता है क्या होता है, निम्न होता है। आप ये भी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। और ये क्या करती हैं, ये आसानी से बहती हैं। जैसे कि आप अगर गैस को देखें, गैस क्या करती है, आसानी से बहती है, फ्लो करती है, कोई इसमें बहने में कोई दिक्कत नहीं आता है। ये अपने बर्तन को पूर्णतः भरती हैं। अगर इनको जिस बर्तन में रख दिया जाए उस बर्तन को ये क्या करती हैं, पूर्ण रूप से भर देती हैं। ये भी बहुत ही अच्छा पॉइंट्स है। अब देखिए, मैंने नोट करके लिखा है, अगर नोट है तो कुछ इंपॉर्टेंट है उसमें, इसलिए मैंने नोट करके उस चीज़ को लिखा है, और उस चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है गैसों का कोई पृष्ठ नहीं होता, जो गैसें होती हैं उनका कोई पृष्ठ, कोई सरफेस नहीं होता है। इसका विसरण बहुत अधिक होता है तथा आसानी से संपीड़ित किए जा सकते हैं, कंप्रेस किए जा सकते हैं। ठीक है, जो गैसें होती हैं उनका कोई विसरण, कोई पृष्ठ नहीं होता है। जैसे कि अगर आप घर में, और आपके रसोई घर में अगर खाना बनता है, देखिए जो खाने की स्मेल होती है, सुगंध होती है, वो दूर तक फैल जाती है। क्यों? क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनका कोई पृष्ठ नहीं होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, जैसे टेम्परेचर हम देते हैं, जैसे बढ़ाते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, गति करने लगते हैं, और वो क्या करते हैं, आसानी से
एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं गैसों का कोई पृष्ठ नहीं होता है, इसका विसरण क्या होता है, बहुत अधिक होता है, राइट। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है आपके लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट कि पदार्थ की अवस्था आप कैसे चेंज कर सकते हैं, मैटर की अवस्था को आप कैसे बदल सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन दो प्रकार से किया जा सकता है, या तो ताप में परिवर्तन लाकर या तो दाब में परिवर्तन लाकर। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया कि ताप में परिवर्तन लाकर भी आप क्या कर सकते हो, पदार्थ की अवस्था चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप सपोज दैट, जैसे कि आप बर्फ़ देखिए, बर्फ़ को हमने धीरे धीरे हीट किया, टेम्परेचर बढ़ाना चालू किया, अब क्या करेगा बर्फ़, धीरे धीरे वो पिघलना चालू हो जाएगा, जब पिघलेगा तो अब वो पानी बनता चला जाएगा, ठीक है। अब ठोस से क्या हुआ, द्रव में हुआ, फिर अब वहाँ पे हीट आप दे रहे हो, अब द्रव से क्या होगा, वो धीरे धीरे गैस में बदलना चालू हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ताप में परिवर्तन लाकर हम क्या कर सकते हैं, गैस की अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दाब में परिवर्तन लाकर, आप किसी भी मैटर को अगर आप प्रेशर में लाते हो, अगर दाब देते हो, तब पर भी उसकी अवस्था को हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने ये कुछ लिखा है आपके रूप में, कुछ चीज़ें हैं अपवाद में जो एक्सप्रेस जो हमारी क्या है अपवाद हैं, अगर इन पर हम ताप भी लगा दें, दाब भी लगा दें, तब पर भी इनकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे परंतु यहाँ पर अपवाद में है आपके लकड़ी, पत्थर, कोल ठोस अवस्था में ही रहते हैं, ये ना तो द्रव अवस्था में पाए जाएंगे न तो गैसीय अवस्था में, ये हमेशा किस में होंगे, सॉलिड में होंगे, ठीक है। जैसे पत्थर हो गया, ये भी सॉलिड रूप में ही होगा, ठोस रूप में ही होगा, ठीक है। ये केवल हमारे क्या होती हैं, ठोस अवस्था में ही पाई जाती हैं। आइए हम आपको कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताते हैं। जल जो होता है हमारा, वो तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है। जो वाटर होता है वो ठोस में भी रह सकता है, द्रव में भी रह सकता है और गैस में भी रह सकता है। अब देखिए, मैं आपको बताया कि ठोस की आप अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं कैसे। यहाँ पे सपोज दैट अगर हमने लिखा ठोस, आप जब ठोस को गर्म करोगे दोस्त, जब आप सॉलिड को गर्म करोगे तो किस में अपनी अवस्था चेंज करेगा, द्रव में। जब ठोस को आप गर्म करिएगा तो वो किस में, द्रव में बदलेगा। और अब जब द्रव को आप हीट करिएगा तो किस में बदलेगा, गैस में। जब आप द्रव को हीट करिएगा तो किस में बदलेगा, गैस में। अब देखिए, जब गैस को हम लोग ठंडा फिर से करेंगे, अब गैस को हमने क्या किया, ठंडा किया, जब गैस को हम ठंडा किए तो एक किस में बदल जाएगा, फिर से द्रव में आ जाएगा। अब देखिए, अब फिर द्रव को हमने क्या किया, फिर ठंडा करना चालू किया, फिर दोबारा। तो अब द्रव जब ठंडा होगा तो फिर किस में बदल जाएगा, ठोस में। अर्थात हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारे पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, और दाब भी बढ़ाने से, चाहे वो दाब लगाकर भी हम क्या कर सकते हैं, अपने पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं। और दोस्त, मैंने आपको बताया था कल पदार्थ के बारे में कि दुनिया की सारी वस्तुएं जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिनको हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें पदार्थ होती हैं। लेकिन पदार्थ होती क्या नहीं है, जैसे हमारा लव हो गया, इमोशन हो गया, फीलिंग होगी, ये सब पदार्थ नहीं होते हैं। इनको हम महसूस तो करते हैं। क्या आप ये एज्यूम करिए, क्या लव में भार होता है, द्रव्यमान होता है, क्या यह स्थान घिरता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। घृणा भी क्या है, पदार्थ नहीं है, क्योंकि वह उसमें, उसको हम फीलिंग तो करते हैं यार, फील तो करते हैं, फीलिंग्स होती है, लेकिन हम उसमें ये नहीं देखते कि उसमें भार भी होता है, उसमें द्रव्यमान भी होता है। हम यही बोलेंगे कि दुनिया की सारी वस्तुएं जिसमें भार होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती हैं, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, पदार्थ होती हैं, राइट। अब आइए, पदार्थ की चौथी अवस्था और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और यहाँ से आपके सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, इसलिए मैं इस अवस्था को अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इसको थोड़ा सा जूम करिए, बच्चों के बीच में थोड़ा सा अच्छे से ये दिखाई दे। पदार्थ की जो हमारी चौथी अवस्था होती है, प्लाज्मा अवस्था होती है, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझिए, प्लाज्मा अवस्था होती क्या है। जब हम गैस के अणुओं को अधिक ताप पर गर्म करते हैं, जब हम गैस के मॉलिक्यूल्स को हाईली टेम्परेचर पे जब गर्म करते हैं, तो गैसों के अणु इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने लगते हैं। तब क्या करते हैं, गैस के अणु इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन करने लगते हैं और आयनों का निर्माण होने लगता है।
अर्थात हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन और आयनों के मिश्रण से पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था की प्राप्ति होती है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और अब देखिए, आपसे आपके एग्जाम में कभी डिफिनेशन नहीं पूछता है, आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे उस चीज़ को आप देखिए। आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, सूर्य और तारों में चमक किसके कारण से होती है? पदार्थ के ठोस अवस्था के चलते, द्रव अवस्था के चलते, गैस अवस्था के चलते, प्लाज्मा अवस्था के चलते। तो जो सूर्य और तारे चमकीले दिखाई देते हैं उसमें कौन सी अवस्था पदार्थ की निहित होती है? उसमें पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था निहित होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको नोट करिए। अब यहाँ पे मैंने सेकेंड पॉइंट लिखा है, फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियान बल्ब में भी पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था निहित होती है। जो आप CFL देखते हो और नियॉन बल्ब जो देखते हो, नियॉन बल्ब, उसमें भी पदार्थ की चौथी अवस्था अर्थात प्लाज्मा अवस्था निहित होती है। आप इसको भी नोट करिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और आपके CTET में पूछा हुआ था कि नियॉन बल्ब में कौन सी पदार्थ की अवस्था पाई जाती है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा कि पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है, राइट। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे किस टाइप्स के बन सकते हैं, नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम गैस। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, नियॉन बल्ब जो बना होता है उसके अंदर कौन सी गैस डालते हैं? नियॉन गैस। और जो फ्लोरोसेंट ट्यूब जो CFL होता है उसके अंदर हम लोग हीलियम गैस या कोई अन्य उसके समकक्ष गैसों का मिश्रण होता है और उसको डालते हैं, राइट। आप के जनरली ऑप्शन में हीलियम मिलेगा, आप हीलियम पे टिक करिएगा, आपका राइट आंसर हीलियम होगा, क्योंकि NCERT हमारी हीलियम को मानती है। NCERT की जो बुकें हैं उसमें आपको हमेशा हीलियम दिया रहेगा। लेकिन अगर आपसे बोल दो जो विद्युत बल्ब होता है, ठीक है, जो ये आप देखते हो पीला वाला बल्ब आप घरों में यूज करते हो जो 100 वाट का आता है, अगर उसमें पूछे कि उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो वहाँ पे आपका ऑप्शन होगा आर्गन। उसमें कौन सी गैस डाली जाती है? आर्गन, ठीक है। वो निष्क्रिय गैस होती है, इसलिए डालते हैं कि वो ऑक्सीजन से हमारा रिएक्शन ना हो। अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो हमारा बल्ब फ्यूज हो जाएगा और फूट जाएगा, ठीक है। उससे बचने के लिए हम उसमें निष्क्रिय गैस डालते हैं, आर्गन। लेकिन अगर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सा गैस डालते हैं, तो वहाँ पर आर्गन नहीं होगा, वहाँ पर हीलियम होगा। ये आप ध्यान से देख लीजिए और इसका आंसर भी लगाइएगा, हीलियम राइट आंसर होगा, आप कन्फ्यूज नहीं होकेगा। अब देखिए हमने आपको बताया था पदार्थ की चार अवस्था और एक और अवस्था के बारे में बताया था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट BEC। बेसिकली ये होता क्या है, जब गैस के अणु को अति निम्न ताप, ठीक है, लेजर टेक्निक का उपयोग करके उसको बहुत एकदम माइनस वाले टेम्परेचर पर ले जाकर जब ठंडा करते हैं, तब पदार्थ की पांचवी अवस्था BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट प्राप्त होती है। इसका व्यवहारिक जीवन में हमारा कोई यूज नहीं है, प्रायोगिक दृष्टिकोण से देखें तो इसका कोई यूज नहीं है। इसका यूज हम रिसर्च के लिए करते हैं, वो भी कहाँ करते हैं, जो हमारी मॉडर्न फिजिक्स है, ठीक है, आधुनिक फिजिक्स के क्षेत्र में हम लोग सूर्य और चंद्रमा के बारे में जब स्टडी करते हैं तब यहाँ पे हम BEC का यूज करते हैं। आप इस चीज को भी ध्यान से देखिएगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। अब देखिए आपको केमिस्ट्री पढ़ने से पहले, जैसे कि अगर हमको बचपन में अगर हमको गिनती सिखाई जाती थी, फिर टेबल सिखाया जाता था, इसके बाद जोड़ घटाओ गुणा सिखाया जाता था, उसी तरह आपको केमिस्ट्री पढ़ने से पहले कुछ केमिस्ट्री के छोटे छोटे पार्ट हैं उनके डिफिनीशन भी आपको तैयार करने पड़ेंगे, तब जाके हम केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ पाएंगे और हमारा कॉन्सेप्ट भी क्या होगा क्लियर होते जाएगा। नहीं तो फिर अगर इस छोटे छोटे डिफिनीशन को नहीं देखेंगे तो हमारी केमिस्ट्री अधूरी है, फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है गलनांक या दोहरांक, मेल्टिंग पॉइंट, फर्स्ट हमारा पॉइंट है गलनांक या दोहरांक, इसको इंग्लिश में बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। और यहाँ पे देखिए क्या होता है, इसका डिफिनेशन देखिएगा, ठोस जिस ताप पर द्रव में बदलता है, अगर कोई ठोस जिस ताप पर द्रव में बदलता है उसे गलनांक या दोहरांक कहते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा मैंने क्या बोला कि ठोस को जैसे गर्म करेंगे वह द्रव में बदलेगा, अब इसको जब हम हीट करेंगे टेम्परेचर देंगे तभी तो ये द्रव में बदलेगा। अब ये जिस टेम्परेचर पे ठोस द्रव में बदलेगा उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, गलनांक या दोहरांक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, छोटे छोटे डिफिनीशन आते हैं, इसको देख लीजिए आप।
अब अगला है हमारा क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। द्रव जिस ताप पर वाष्प या गैस में बदलता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए वहां पे क्या होता था, ठोस द्रव में बदलता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, द्रव जिस ताप पर वाष्प या गैस में बदलता है उसे क्वथनांक कहते हैं। यहाँ पे जैसे कि अगर हम लोग बोले कि वाटर का क्वथनांक कितना होता है, तो आप बोलते हो कि सर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्योंकि वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे खोलने लगता है और धीरे धीरे क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। तो उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या कहेंगे कि जल का क्वथनांक कितना होता है, तो आपका आंसर होगा कि सर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है। तो इसी तरह हम लोग कहेंगे द्रव जिस ताप पर वाष्प या गैस में बदलता है तो उसे हम लोग क्वथनांक कहते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए हिमीकरण, फ्रीजिंग पॉइंट, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। जब 1 kg द्रव ठोस में बदलता है तो वह अपने गलन की गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा का त्याग करता है, इस ऊष्मा को हिमीकरण या जमने की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे जब 1 kg द्रव ठोस में बदलता है, जब 1 kg द्रव को आप ठोस में बदलोगे कैसे, उसको ठंडा करके, ठीक है, तो वह अपने गलन का गुप्त ऊष्मा के बराबर क्या करता है, ऊष्मा का त्याग करता है, और इसी ऊष्मा को हिमीकरण या जमने की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आप इस भी पॉइंट को देखिए, यह भी बहुत अच्छा पॉइंट है। अब सबसे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है और सी टेट में यही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि निम्न में से कौन सा पदार्थ उद्पार्तन का उदाहरण है, और चाहे कौन सा उद्पार्तन का गुण रखता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था आपसे सी टेट में, ठीक है। अब उद्पार्तन क्या होता है उसके बारे में समझ लीजिए, इसके बाद हम आपको एग्जाम्पल लिखें उसके बारे में आप समझ जाइएगा उद्पार्तन होता क्या है। जैसे देखिए, कोई ऐसा ठोस पदार्थ जो गर्म करने पर ठोस से सीधे वाष्प में बदल जाता है। अब देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर ठोस को आप गर्म करिएगा तो पहले द्रव में बदलेगा, इसके बाद गैस में बदलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ठोस सीधा किस में बदल जा रहा है, गैस में। जब गैस में बदलता है, ठीक है, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, उर्ध्वपातन या सिमुलेशन कहते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अमोनिया क्लोराइड, आयोडीन, नमक, कपूर, अगर कपूर को आप जब हीट करते हैं ना, तो वो क्या करता है, क्या पानी में बदलता है, क्या वो सीधा वाष्प में बदल जाता है और आपको देगा आयोडीन, कपूर, अमोनिया क्लोराइड, आपको ऑप्शन में ये कभी देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो आपको एग्जाम में मिलता है ऑप्शन में, वो मिलेगा नेफ्थलीन, एंथ्रासीन। ये ऐसे पदार्थ हैं, अगर इनको आप जब हीट करिएगा, ये तो ऐसे तो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन जब आप इसको हीट करिएगा तो ये द्रव में ना बदलकर ये सीधे किस में बदल जाएंगे, गैस में, और ऐसे पदार्थ को हम लोग उर्ध्वपातन पदार्थ कहते हैं, उर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। आप इस चीज को ध्यान से लिखिए, इसके एग्जाम्पल को देखिए, आपसे यही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। अगर सेकेंड बात करें हम लोग वाष्पीकरण या वेपोरेशन की, वाष्पीकरण क्या होता है, क्वथनांक से कम तापमान पर, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पन या वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जल का क्वथनांक क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन क्या, जैसे कि वाष्पन की क्रिया में क्या होता है, क्या जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही वाष्प में बदलना चालू हो जाता है, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है। कभी आप बारिश के टाइम में देखिएगा, जैसे सूर्य की प्रकाश जल पे पड़ती है तो धीरे धीरे क्या होता है, वाष्प के रूप में जल क्या करता है, उड़ने लगता है ऊपर की ओर। तो यह क्या करता है, क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऐसा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान पर ही ऐसी क्रिया हो जाती है, ऐसी क्रिया को हम लोग क्या करते हैं, वाष्पीकरण। एक बार फिर से इस डेफिनेशन को देख लीजिए, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पन या वाष्पीकरण कहते हैं, राइट। इस चीज को पूरे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, पूरी थ्योरी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब बात करेंगे तो क्वथनांक और वाष्पीकरण में हम लोग क्या करेंगे, अंतर देखेंगे। इसके बाद जब हम बात करेंगे इससे आगे चलकर, तो अब हम लोग देखेंगे रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग रासायनिक वर्गीकरण जब देखेंगे, यहाँ पे हमने देखा भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थों को 5 भागों में बांटा गया, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और BEC। यहाँ पे इसके बारे में पढ़ा और केमिस्ट्री के कुछ हम लोग छोटे छोटे डिफिनीशन देखा। अगर इस डिफिनीशन को आप नहीं ध्यान से देखिएगा और नहीं पढ़िएगा तो फिर हमारी केमिस्ट्री अधूरी है। हर एक टॉपिक में इनका यूज होगा, ठीक है।
इसलिए इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी था। दोस्त आज यहीं तक। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।